पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसने किसने किया पोस्टमार्टम, और बिसरा किसने किया, घटना की एफआईआर किसने लिखाई, घटना की जांच कौन कर रहा है। जब सरकार खुद ही इन्वॉल्व है तो सरकार की इन एजेंसियों को थर थर कांप रहा था। डॉक्टर जब मैं गया था मौत से दो दिन पहले 26 तारीख को, वो अपना फोन नंबर मुझे नहीं दे सकता था। मैंने कहा फोन नंबर दे दो ताकि मैं खैरियत पूछ लूंगा, तो उसने कहा प्रतिबंधित किया गया है मुझको। मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल मैंने मिलने की कोशिश की, आधा पौन घंटा रुका रहा, नहीं मिलने दिया गया मुझसे। देखिए किसी भी जांच और किसी भी रिपोर्ट, एक जांच अखबार में आपके और आपके चैनलों पे ही सुना कि सुपरिटेंडेंट साहब सबका बयान ले रहे हैं और डॉक्टर का भी बयान ले रहे हैं, फिर एक जांच पता चला कि वहां के मजिस्ट्रेट साहब कर रहे हैं। मालूम हुआ कि ऐसी जांच कोई भी जो जुडिशियल कस्टडी में मौत होती है, चाहे बांदा में मुख्तार अंसारी की हुई हो या कहीं भी किसी तरह की हुई हो, उसकी मजिस्ट्रेटियल जांच होती है। फिर आप ही जांच बैठा दीजिए, आप ही मजिस्ट्रेटियल जांच, आप ही न्यायिक जांच। अगर कोई परिजन चाहे भी कि भाई इसका पोस्टमार्टम निष्पक्ष हो जाएगा, एम्स का डॉक्टर अगर इसका पोस्टमार्टम करेगा तो हमको भी संतोष हो जाएगा। क्या कारण है सरकार भाग गई, क्या कारण है उस मांग को अस्वीकार कर दिया गया, क्या ऐसी चीज थी जो नहीं हो सकती थी, इसलिए कि गुनाह से पर्दा हट जाएगा। मैं बताया पहले भी और आज भी बता रहा हूं, देखिए बिसरा में नाखून की जांच नहीं हुई है, पहली बात सुन लीजिएगा, आप जाके पूछ लीजिएगा जो बिसरा रिपोर्ट आई है उसमें नाखून आया था कि नहीं, और जहर की जांच के लिए नाखून और बाल की जांच से यह साबित हो जाता है कि ये व्यक्ति जहर से मरा है या कोई और कारण रहा है। यह जांच में जो जांच बिसरे वालों को चाहिए थी वो नमूना भेजा ही नहीं गया। बिसरा जांच करने के लिए जहां भेजा गया वहां पदासीन अधिकारी को हटा के दूसरा पदासीन अधिकारी बैठाया गया। अपने गुनाह पर पर्दा डालना है, लिपापोती करना है। कहां गए छाती फुलाने वाले जो कल कहते थे कि मिट्टी में मिला देंगे, अब मिट्टी भी नसीब नहीं होगी, कहां गए? कहें यही परीक्षा की घड़ी है, 24 तारीख को उनकी औकात की परीक्षा होगी। देखिएगा गाजीपुर नहीं पूरे पूर्वांचल की जनता मर्माहत है। जो गरीब समाज के लोग किसी भुलावे में, किसी बहकावे में, किसी अपनी जाति बिरादरी के नेता के उकसावे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ सोच भी रहे थे, अब वो पूरा का पूरा समाज थूक रहा है। सर एक हाँ 200% बिसरा की जांच नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी की सरकार, मोदी की सरकार के किसी जांच पर, किसी भी एजेंसी पर मुझे कोई भरोसा नहीं है। मैं न्यायिक जांच की मांग करूंगा तो सुप्रीम कोर्ट में करूंगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मुख्तार के बेटे ने याचिका कर रखी है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने मुख्तार की पत्नी की याचिका पर ऑलरेडी आदेश दे रखा है, और डीजीपी उत्तर प्रदेश को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि मुख्तार के जीवन की रक्षा की जाए। मुख्तार के बेटे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल करके उन्होंने जवाब दिया है कि उनके सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि उनके इलाज के लिए माकूल से माकूल प्रबंध किया जाए, समीक्षा करके कोई कमी हो तो वो दूर किया जाए, और ये भी कहा है कि चुनाव बीत जाने के बाद मैं इस विषय पर सुनवाई करूंगा, और इस बीच में कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए, उसके बाद भी ये अनहोनी हुई है।